नमस्कार। इस वक्त सातवार के ऐतिहासिक स्थल बात करें चैन रामाबा का ये आश्रम मंदिर। हमारे साथ नीरज सिंह गुड्डू हैं। आज का जो आयोजन है कार्तिक पूर्णिमा को लेकर है, आज दीप उत्सव होगा, ये दो दिवसीय कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम का एक बड़ा रूप है, आइए बात करते हैं गुड्डू जी से, ये कार्यक्रम क्या संदेश दे रहा है क्षेत्रवासियों को? चूंकि पहले से भी ये कार्यक्रम होता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग कार्तिक महोत्सव करते हैं चैन रामाबा के तपोस्थली पे, जिसमें काशी से विद्वान ब्राह्मण लोगों के द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम होता है, वृंदावन धाम से पधारे राधा कृष्ण के झांकी के रूप में, राधे कृष्ण के झांकी के रूप में रासलीला का कार्यक्रम होता है, भजन कीर्तन बच्चों और शुरू होता है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है, लगभग 50-60 हज़ार लोगों का भंडारे का कार्यक्रम होता है। निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल रहता है, क्योंकि चैन राम बाबा के स्थल पे और चैन राम बाबा के सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है, और चैन राम बाबा का ही आशीर्वाद है कि इस कार्यक्रम को हमने शुरू किए तो ये नहीं लग रहा था कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हम लोगों का पहला जब कार्यक्रम हुआ तो ये हुआ कि भाई कीर्तन होगा, उसके बाद लोगों का भंडारा किया जाएगा, लेकिन चेयरमैन सरिता सिंह ने कही कि नहीं गंगा आरती भी किया जाए, तो गंगा आरती होने लगा, फिर भजन कीर्तन होने लगा, फिर वही रासलीला होने लगा, भंडारा भी बड़े पैमाने पर होने लगा। तो निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी, जो भी हमारे गार्जियन हैं, पूरे विधानसभा के हो, नगर के हो, क्षेत्र के सारे लोग लग करके जो भी कार्यक्रम मैं सोचता हूँ कि करूँ और अपने लोगों के बीच बैठता हूँ तो सारे लोग अपना हाथ फैला करके हमारी ताकत बनने का काम करते हैं, और सारे लोगों ने ताकत के साथ लग करके कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाते हैं। और चैन राम बाबा का प्रसाद जहाँ जहाँ जिस घर में जाएगा वहाँ सुख समृद्धि आएगी, इसी के मंशा से होता है कि चैन राम बाबा का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र पूरे नगर पर है। ये कह रहे थे आज का जो दीप उत्सव होगा इसमें कितने दीपक जलेंगे, क्या माहौल बनेगा आज का? 21,000 दीपक जलेंगे और माहौल तो आप देखेंगे भी अभी ऐतिहासिक लगेगा कि काशी यहीं पे उतर आए हैं, वृंदावन यहीं पे उतर आया है, और विहंगम दृश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐतिहासिक। धीरे धीरे जो जो समय आता जाएगा ऐतिहासिक कार्यक्रम होता जाएगा। निश्चित तौर पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो भी कार्यक्रम हम सोचते हैं करने के लिए वो कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है। ये चैन राम बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, नहीं तो एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। लेकिन हमारे गार्जियन भी उसी तरह से गार्जियन बन के, हमारे नौजवान साथी, हमारे साथी बन के, छोटे भाई भाई बन के, अपना कार्यक्रम समझ करके इस कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्यक्रम करते हैं कि किसी को बैठने में किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो, जो आए उसको समुचित प्रसाद ग्रहण हो, समुचित सम्मान मिले। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं, और यहां पे आए हुए हजारों हजारों जो हमारे गार्जियन, नौजवान साथी हैं, माता बहन भाई, उन सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम पे जैसे बना है बना रहे, यही हमारी काम। धन्यवाद नीरज जी आपको आज के इस आयोजन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली, काशी बात करें, काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, आज इस चैन राम बाबा के इस नगरी में और चैन राम बाबा के इस आश्रम पे, इस जगह पर न जाने कितने दीपक जलेंगे और न जाने कितने लोग आएंगे। आज ये पूरा मंदिर परिसर रोशनियों से जगमगा रहा है और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के आयोजक को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, नमस्कार।